सर, मैं आपको चाइना पोर्ट होल्डिंग, गवादर पोर्ट अथॉरिटी और सी पैक अथॉरिटी की तरफ से आज के इस तारीखी मौके पर खुशामदीद कहता हूँ। आई वुड स्पेशली लाइक टू वेलकम एंड थैंक देयर एक्सीलेंसीज आवर ब्रदर्स फ्रॉम ब्रदरली कंट्रीज फॉर बीइंग हेयर टुडे एंड एक्सप्रेसिंग देयर इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट इन आवर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन गवादर। सर, आज का दिन तारीखी है क्योंकि गवादर पोर्ट पिछले डेढ़ अशरे से तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए मुकम्मल हो चुका है और कंप्लीटली ऑपरेशनल हो चुका है। इसके साथ साथ 60 एकड़ पर फ्री जोन का फेज वन कंप्लीट हो चुका है और तकरीबन 46 एंटरप्राइजेज इस वक्त अपनी कारोबारी सरगर्मियों का आगाज कर चुकी हैं। सर, आज सर आप 2200 एकड़ पर फेज टू का संगे बुनियाद रखकर एक तारीख रकम करने जा रहे हैं सर, क्योंकि इसके साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी और तजारत का एक नया सिलसिला शुरू होगा और लोगों के नौकरियों के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। सर, इस पोर्ट को मुकम्मल फाल होने में आपकी जाती दिलचस्पी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, और आपकी हुकूमत की खास काविशों के साथ कुछ बहुत बड़े काम हुए और दरीना रुकावटें और मसाइल का हल हुआ सर, और उनमें से कुछ का सर मैं नाम लेना चाहता हूँ। 2007 से लेकर 2020 13 साल गवादर पोर्ट फ्री जोन पॉलिसी का इजरा नहीं हो सका, सो ये 2020 में सर ये पास हुई। उसके अलावा सर, गवादर पोर्ट की नॉर्थ ऑफ द कंट्री के साथ कनेक्टिविटी में अभी इस हुकूमत के टाइम में तेजी आई सर। गवादर को ट्रेडिंग हब बनाने के लिए ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी हुई सर। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बाकायदा आगाज हुआ सर। एलपीजी और एलएनजी के लाइसेंसेस का इजरा हुआ सर, और ईरान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर ट्रेड का फ्रेमवर्क ना सिर्फ साइन हुआ बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गई। और सर, इस शहर को एक्स्ट्रा पोर्ट के कार्गो की ट्रैफिक से बचाने के लिए ईस्ट बे एक्सप्रेसवे का तामीर का आगाज हुआ सर। और सर, इस वक्त मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक सिनर्जी क्रिएट करके इस पोर्ट को ऑपरेशनल और ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए इस वक्त अपनी तवज्जो मरकूज की है सर। गवादर पोर्ट के साथ साथ गवादर शहर में भी तरक्की का यह सफर शुरू है सर। इस शहर की मास्टर प्लान को आप ऑलरेडी सर अप्रूव कर चुके हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन, चूंकि सर आपका इंप्लीमेंटेशन पे बहुत ज्यादा जोर है और ये चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की भी तरजीह में है, सो इसकी इंप्लीमेंटेशन इस वक्त जारी है सर। सी पैक के तहत शहर में जो मेन मंसूबे जारी हैं उनमें सर 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर, ये पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा, एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है क्योंकि लोगों का सर हमेशा नौकरियों की शिकायत रही, उनको तैयार करके इधर नौकरियां क्रिएट की जा रही हैं सर, और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है सर जो बनने जा रहा है सर। लेकिन सर, इसके अलावा सिर्फ गवादर नहीं बल्कि पूरे साउथ बलूचिस्तान में ये एहसास है कि ये इलाका नज़रअंदाजी का निशाना रहा सर, और हमेशा से बलूचिस्तान के अवाम और यहाँ पर बलूचिस्तान की जो लीडरशिप बैठी हुई है और आपके आने से पहले भी जो उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनको वही 3-4 मेन मसाइल हैं जिनका वो जिक्र करते रहे, और उसमें कनेक्टिविटी, पानी और बिजली और रोज़गार, यही उनके मसाइल थे सर। ये तमाम लोग आपके साउथ बलूचिस्तान पैकेज को इन मसाइल का हल समझते हैं और सब इनको सराहते हैं सर, और ये यकीन रखते हैं कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन पर जोर है अभी लोगों के ख्वाब और आपके ख्वाब के साथ जुड़ेंगे और इंशाल्लाह तरक्की का एक दौर शुरू होगा सर। हम आपका खास शुक्रिया अदा करते हैं कि आप खुद सी पैक की सरपरस्ती कर रहे हैं और आपकी पूरी टीम सी पैक की एग्जीक्यूशन में पेश पेश है सर।
प्लानिंग मिनिस्टर सर यहां बैठे हैं, वो मुख्तलिफ कमेटीज की सरबराही कर रहे हैं, तो वो बड़े एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हमारी रहनुमाई भी करते हैं और प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में ये मदद करके उनको तेज करने में हमें आगे भी चलाते हैं। इसी तरह सर फॉरेन मिनिस्टर यहां बैठे हैं, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन में और चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें हम बहुत हमारी हेल्प करते हैं सर। और खास तौर पे मैं ये मेंशन करना चाहता हूं सर, जो बलूचिस्तान के लीडर्स हैं, चेयरमैन सेनेट यहां बैठे हैं, मैडम जुबैदा जलाल बैठी हैं, फिर सर मैं और बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स यहां बैठे हैं, ये हमेशा ना सिर्फ इनपुट देते हैं बल्कि ये सर प्रोजेक्ट्स में जहां भी कोई रुकावट हो ये हमारी सर मदद भी करते हैं सर। सर सीपैक इस वक्त हमारे हासिदों और दुश्मनों की साजिशों के निशाने पर है, सो एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसको जायल करने के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपनी टीम के साथ और बाकी इंफॉर्मेशन इदारों के साथ मिलकर उनको जायल करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार सर अदा कर रहे हैं। और मैं सर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस का, क्योंकि ये वो फराइज हैं जो मैं खुद भी इधर अंजाम देता रहा हूं कि उनकी अनथक मेहनत और कुर्बानियों के बगैर ये सर कभी भी हम इस लेवल पे नहीं आ सकते थे। आज सर कोई भी प्रोजेक्ट बगैर किसी डिले और डिसरप्शन के चल रहा है, सिक्योरिटी की वजह से कोई चीज रुकी नहीं हुई। एंड सर आई वुड लाइक टू मेक अ स्पेशल मेंशन ऑफ हिज एक्सीलेंसी आवर ब्रदर एम्बेसडर नॉनरोंग फॉर गिविंग एक्स्ट्रा एनर्जी टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सीपैक एंड बीइंग ऑलवेज अवेलेबल 24/7। सर सीपैक आपकी सरबराही में एक्सपैंड हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है और जो आपका ख्वाब है और आपकी ख्वाहिश है इसके समरात हम आम आदमी तक लेके जाने के लिए भरपूर कोशिश में सर मसरूफ हैं। थैंक यू सर। सर मैं आपको चाइना पोर्ट होल्डिंग, गवादर पोर्ट अथॉरिटी और सीपैक अथॉरिटी की तरफ से आज के इस तारीखी मौके पर खुशामदीद कहता हूं। आई वुड स्पेशली लाइक टू वेलकम एंड थैंक देयर एक्सीलेंसीज आवर ब्रदर्स फ्रॉम ब्रदरली कंट्रीज फॉर बीइंग हेयर टुडे एंड एक्सप्रेसिंग देयर इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट इन आवर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन गवादर। सर आज का दिन तारीखी है क्योंकि गवादर पोर्ट पिछले डेढ़ अशरे से तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए मुकम्मल हो चुका है और कंप्लीटली ऑपरेशनल हो चुका है। इसके साथ साथ 60 एकड़ पर फ्री जोन का फेज वन कंप्लीट हो चुका है और तकरीबन 40 एंटरप्राइजेज इस वक्त अपनी कारोबारी सरगर्मियों का आगाज कर चुकी हैं। सर